नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। सीधे आपको संसद लिए चलते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा है, संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है और शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ। नए दशक और नए साल का पहला सत्र है, आपको मेरी सरकार ने दिखाया है कि नीयत साफ हो, इरादे बुलंद हो तो बदलाव लाया जा सकता है। इन वर्षों में मेरी सरकार ने जितने लोगों के जीवन को छुआ है वह अभूतपूर्व है। हर गरीब का घर रोशन हो इसके लिए 2.5 करोड़ से अधिक बिजली कनेक्शन निःशुल्क दिए गए। गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल कम हो इसके लिए 36 करोड़ से ज्यादा सस्ते LED बल्ब वितरित किए गए। दुर्घटना की स्थिति में गरीब परिवार को दर दर न भटकना पड़े इसके लिए सिर्फ 1 रुपया महीना के प्रीमियम पर 21 करोड़ से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ा गया। गरीब की मृत्यु के बाद उसके परिवार के पास एक संबल रहे इसलिए सिर्फ 90 पैसा प्रतिदिन के प्रीमियम पर लगभग 9.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जोड़ा गया। गरीब का शिशु किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित न हो इसलिए मेरी सरकार ने न सिर्फ टीकों की संख्या बढ़ाई बल्कि टीकाकरण अभियान को देश के उन आदिवासी इलाकों में भी ले गई जो अब तक अछूते थे। मिशन इंद्रधनुष के तहत 3.5 करोड़ से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया गया। गरीब के हक का राशन कोई दूसरा ना छीन ले इसके लिए 100% राशन कार्ड को डिजिटल किया जा चुका है। 90% राशन कार्डों को आधार से जोड़ा जा चुका है। रसोई के धुएं से गरीब बहन बेटी की सेहत ना खराब हो इसके लिए उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ से ज्यादा मुफ्त कनेक्शन दिए गए। गरीब बहन बेटी की गरिमा बढ़े, उनकी परेशानी कम हो इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए। घर में काम करने वाले भाई बहन, गाड़ी चलाने वाले, जूता सिलने वाले, कपड़ा प्रेस करने वाले, खेतिहर मजदूर, ऐसे गरीब साथियों को भी पेंशन मिले इसके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाई गई। गरीब को बैंकिंग व्यवस्था का लाभ मिले इसके लिए 41 करोड़ से अधिक गरीबों के जनधन खाते खोले गए। इनमें से आधे से अधिक खाते हमारी गरीब बहनों और बेटियों के हैं। माननीय सदस्यगण, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इनमें से हर आंकड़ा अपने आप में एक जीवन गाथा है। इस संसद के अनेक सदस्यों ने अपने जीवन का बहुत लंबा समय इन्हीं परिस्थितियों में गुजारा है। हमारे जिस कार्य से गरीब भाई बहनों की चिंता, उनका दुख और तकलीफ कम हो सके, उन्हें अधिक से अधिक मूलभूत सुविधाओं के साथ जोड़कर सशक्तिकरण और आत्मसम्मान के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके, ऐसा प्रत्येक कार्य इस संसद में हमारी उपस्थिति को सार्थक बनाएगा। मुझे गर्व है कि मेरी सरकार पूरी निष्ठा और ईमानदार नीयत के साथ पिछले 6 वर्षों से इस दिशा में निरंतर काम कर रही है, फैसले ले रही है तथा उन्हें लागू कर रही है। माननीय सदस्यगण, वीरता, अध्यात्म और प्रतिभाओं की भूमि पश्चिम बंगाल के सपूत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर ने देश प्रेम से भरे एक ओजस्वी गीत की रचना की थी। उन्होंने लिखा था, चौल रे सौवे भारत संतान, मातृभूमि कोरे आवाहन, वीर ओ दौर पे पौरुष गौरवे, साध रे साध सावे देशेर कल्याण। अर्थात मातृभूमि आवाहन कर रही है कि भारत की संतानों, सभी मिलजुल कर चलते रहो, वीरता के स्वाभिमान तथा पौरुष के गर्व के साथ तुम सभी देश के कल्याण की निरंतर कामना करते रहो। आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ें, सभी देशवासी मिलकर आगे बढ़ें, अपना कर्तव्य निभाएं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। आइए भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। तो
संसद भवन के सेंट्रल हॉल से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण आप सुन रहे थे। तमाम बातों का जिक्र किया, मोदी सरकार का न्यू इंडिया का प्लान क्या है वो पूरा खाका सामने रखा गया, किस तरीके से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है उसकी झलक आपने देखी अभिभाषण के दरमियान। और साथ ही संसद के बजट सत्र की शुरुआत इसी के साथ ही हो गई है। आज इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे। This joint sitting of the parliament, which is being held during the time of the coronavirus pandemic, has great significance. It is the beginning of the new year and a new decade. We will also be entering the 75th year of India's independence this year. All the members of parliament present here today embody the conviction held by every Indian that the toughest of challenges will deter neither us nor India. Whenever India has remained united, it has been able to attain even seemingly unattainable goals. This solidarity and Pujya Babuji's inspiration had given us freedom from hundreds of years of colonial rule. Echoing the same spirit, Assam Kesari, Ambikagiri Roy Choudhury, the nationalist poet, said, Om Tat Sat Bharat Mata Ek Chetanat Ek Dhyanat एक सधोनाथ एक अवेगत एक होई जा एक होई जा। दैट इज इंडियाज ग्रैंड्योर इज अल्टीमेट ट्रूथ इन वन सिंगल कॉन्शियसनेस वन थॉट वन डिवोशन वन इंस्पिरेशन लेट अस यूनाइट दिस यूनिटी एंड डेडिकेशन ऑफ इंडियंस हैव एनेबल्ड कंट्री टू ओवरकम मल्टीपल एडवर्सिटीज अवर कंट्री हैज फेस्ड एवरी क्राइसिस विथ फोर्टिट्यूड Be it coronavirus, floods, earthquakes, or major cyclones in several states, locust attack, or bird flu, the recent past also saw an unprecedented escalation in tension along the border. The nation stood together, battled crises on multiple fronts, and surmounted every challenge. During this period, we will all have also witnessed unparalleled courage. Endurance, discipline, and spirit of service of our countrymen. Honorable members, when we think of the preceding year, we are reminded. अब चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करते हैं। पपला गुर्जर को नीमराडा पुलिस थाने लाया गया, उसके साथ महिला मित्र को भी लाया गया थाने। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, पपला गुर्जर को नीमराडा पुलिस थाने लाया गया, उसके साथ महिला मित्र भी मौजूद। कोर्ट में पेश करने के बाद लाया गया पुलिस थाने, भारी पुलिस जाब्ता पुलिस थाने पर मौजूद है। भारी पुलिस फोर्स है, कोई चूक ना हो कोई भूल ना हो ये कोशिश पुलिस लगातार कर रही है, उसी के मद्देनजर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। स्पेशल टास्क फोर्स और पार्टी के घेरे में नीमराडा पुलिस थाना है। ये तस्वीरें भी वहां की हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके से उसको थाने लाया गया भारी पुलिस फोर्स के बीच में। उसकी महिला मित्र भी थाने में ही है और आगे अब किस तरीके से बढ़ा जाता है उस पर लगातार नजर है। कल पपला गुर्जर को दबोच लिया गया, राजस्थान लाया गया रात को, और उसके बाद अब ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कुख्यात पपला गुर्जर जिसकी गिरफ्तारी का ये पूरा मसला लंबे वक्त से गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही थी, लेकिन उसके बीच बड़ी कामयाबी राजस्थान पुलिस को मिली। आगे बढ़ते हैं, गहलोत का मास्टर स्ट्रोक क्या है वो पूरी खबर आपको समझाते हैं। गहलोत सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 2-2% वैट घटा दिया है। गहलोत का मास्टर स्ट्रोक इसको माना जा रहा है। गहलोत सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 2-2% का वैट घटाया। राज्य सरकार द्वारा वैट कम करने का असर और पेट्रोल 1.34 रुपए और डीजल 1.31 रुपए हुआ सस्ता। पेट्रोल पर अब 36 और डीजल पर 26% वैट। सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र भी टैक्स में कमी कर राहत दे। अब सीएम गहलोत ये कह रहे हैं कि हमने वैट तो कम कर दिया, लेकिन अब केंद्र की बारी है कि टैक्स में कमी करके लोगों को राहत केंद्र की सरकार पहुंचाए। केंद्र ने एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 8 से बढ़ाकर 18 रुपए की, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी भी 7 से बढ़ाकर 12 रुपए कर दी गई, डीजल पर 0 से बढ़ाकर 9 रुपए प्रति लीटर की गई है। केंद्र सरकार को भी करों में कमी करनी चाहिए। ये तमाम बातें की गई हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। उन्होंने कहा कि वैट कम किया राजस्थान की सरकार ने, बड़ी राहत दी गई है, लेकिन अब केंद्र की सरकार को भी टैक्स में कमी करके, टैक्स में थोड़ी बहुत राहत आम लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से आम जनता त्रस्त है।
मुख्यमंत्री गहलोत के मास्टर स्ट्रोक से केंद्र के पाले में अब गेंद चली गई है। मुख्यमंत्री गहलोत के मास्टर स्ट्रोक के बाद अब केंद्र के पाले में गेंद हम क्यों कह रहे हैं वो आप समझिए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती दरों के बाद चौतरफा बढ़ रहा था दबाव। लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ती दरों के बीच जो चौतरफा दबाव था वो बढ़ रहा था। केंद्र के साथ राज्य में भी वैट कम करने को था दबाव। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने सीएस से की थी वैट कम करने की मांग। गणतंत्र दिवस पर पत्रकारों ने भी पूछा था इस बारे में सवाल। अब 2-2% वैट घटाने से राज्य में पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है, बड़ी राहत लोगों को मिली है। राजस्व में करीब 1,000 करोड़ की कमी आएगी, ये बड़ा रिस्क सरकार ने लिया और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि जो गेंद है महंगाई को लेकर वो केंद्र के पाले में। आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्ष की रणनीति आपको समझाते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव और विपक्ष की रणनीति क्या रहने वाली है, क्या रहेगी वो आप समझिए। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का मुद्दा उठाएगा विपक्ष, लगातार इसको लेकर विपक्षियों को आप सुनते भी हैं। हालांकि भाजपा भी रक्षात्मक मुद्रा के लिए अभी से बना रही है स्ट्रैटेजी, रणनीति बनाई जा रही है। इसी बीच राजस्थान में गहलोत सरकार ने घटाया 2% वैट और इधर कांग्रेस समेत विपक्षी दल संसद के बजट सत्र में भी जोर शोर से उठाएंगे ये मुद्दा। कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है कि किस तरीके से संसद के बजट सत्र में भी इसको उठाया जाएगा, कितनी बड़ी राहत दी गई है सरकार के द्वारा। वैसे सभी संभावनाओं के बीच पेट्रोलियम मंत्री ने बड़े अफसरों के साथ किया मंथन अब और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने या घटाने को लेकर गेंद वित्त मंत्रालय के पाले में है। प्रदेश के 20 जिलों के 90 निकायों में चुनाव संपन्न हो गया है। प्रदेश के 20 जिलों के 90 निकायों में वोटिंग संपन्न, चुनाव खत्म, परचम फहराने को भाजपा कांग्रेस ने शुरू की बाड़ेबंदी। अब किले को कौन फतेह करेगा परचम फहराने को लेकर, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर सत्तासीन पार्टी कांग्रेस हो, दोनों ने ही बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। नतीजे आने के बाद भी 8 दिन तक रहना होगा बाड़ेबंदी में। नतीजे जब आ जाएंगे, रिजल्ट सामने होगा, उसके बाद भी 8 दिनों तक बाड़ेबंदी का हिस्सा बनना होगा, बाड़ेबंदी में रहना होगा। शहरी सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बाड़ेबंदी शुरू, पार्षद प्रत्याशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और साथ ही बूंदी प्रतापगढ़ से आ रही बाड़ेबंदी की खबर, जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो बूंदी प्रतापगढ़ से है जो बाड़ेबंदी को लेकर मिल रही है। क्रॉस वोटिंग के खतरे को टालने को लेकर प्रभारी अहम भूमिका में है, क्रॉस वोटिंग ना हो ये पूरी कोशिश रहेगी। प्रदेश में बिजली के दामों की फिर से होगी समीक्षा। जी हां, प्रदेश में बिजली के दामों को लेकर एक बार फिर से समीक्षा की जाएगी। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में दायर याचिका पर कवायद, पहली बार एक साथ 4 साल के लिए दायर की गई याचिका और साथ ही 2020-21 से 2023-24 तक के लिए दायर हुई है याचिका। हालांकि याचिका में अधिकांश श्रेणियों में दाम यथावत रखने का प्रस्ताव है, लेकिन कई श्रेणियों में फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव है। बिजली कंपनियों के प्रस्ताव पर अब जनता से मांगी जाएगी आपत्ति और आपत्ति से पहले डिस्कॉम के प्रस्ताव के अहम बिंदु किए गए सार्वजनिक। डिस्कॉम वार ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन की भी शुरू हुई तैयारी। दरअसल डिस्कॉम को 30 जून तक दायर करनी थी याचिका, लेकिन पहले कोविड और फिर मल्टी ईयर ट्रैफिक टैरिफ के चलते किया था आग्रह और डिस्कॉम के आग्रह पर आयोग ने याचिका के लिए दिया था अतिरिक्त समय। अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि समीक्षा होगी बिजली के दामों को लेकर और उसके बाद किस तरीके से आगे बढ़ते हैं उस पर नजर रहेगी। प्रदेश में 30,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। जी हाँ, ये बड़ी जानकारी और बहुत महत्वपूर्ण खबर है। प्रदेश में 30,000 से ज्यादा पद रिक्त, एआईसीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने किया दावा। एआईसीसी के वरिष्ठ अधिकारी ने यह दावा किया है कि 30,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं प्रदेश में और साथ ही फरवरी के अंत तक सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियां होने की संभावना है। कहा यह भी जा रहा है कि फरवरी के अंत तक सभी रिक्त पद जो हैं उन पर नियुक्तियां होने की संभावना है। पंचायतों, ग्रामीण कमेटियों, बोर्डों में होनी है नियुक्तियां और पहले संगठन के लोगों को दी जाएगी प्राथमिकता। जो संगठन के लोग होंगे उनको प्रायोरिटी मिलेगी, उनको प्राथमिकता मिलेगी प्राथमिक तौर पर। और कांग्रेस जिला अध्यक्षों के लिए पीसीसी पदाधिकारियों से मांगे गए हैं नाम। अब पीसीसी चीफ डोटासरा चयनित नामों को भेजेंगे आईसीसी और इसी सप्ताह प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर आ सकते हैं, इसको लेकर भी खबरें मिल रही हैं और इस संबंध में मुख्यमंत्री गहलोत से चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे किस तरीके से पार्टी बढ़ती है इस पर भी लगातार नजर रहेगी, क्योंकि अजय माकन भी कहा जा रहा है कि वो जयपुर आने वाले हैं। सीएम से चर्चा भी होगी और इस पूरे मसले को लेकर मंथन भी किया जाएगा। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की समितियों में छोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का वर्चस्व। जी हां, जयपुर ग्रेटर नगर निगम की समितियों में छोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का वर्चस्व। छोटवाड़ा विधानसभा से 9 पार्षदों को बनाया गया समितियों का अध्यक्ष। जी हां, छोटवाड़ा विधानसभा से सिर्फ 9 पार्षदों को, सिर्फ छोटवाड़ा से ही कहा जा रहा है कि 9 पार्षदों को जगह दी गई है, समितियों का अध्यक्ष बनाया गया। 6 समितियों के अध्यक्ष बने, 3 समितियों के अध्यक्ष का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। और वही संगानेर विधानसभा से 7 पार्षदों को बनाया समितियों का अध्यक्ष, 5 को समितियों का अध्यक्ष बनाया, 2 अध्यक्षों का प्रस्ताव सरकार को भेजा। वहीं विद्याधर नगर विधानसभा से 5 पार्षदों को बनाया समितियों का अध्यक्ष।
मालवीय नगर विधानसभा से 3 पार्षदों को बनाया गया समितियों का अध्यक्ष और वहीं बगरू विधानसभा से 2 पार्षदों को बनाया गया समितियों का अध्यक्ष। अब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं आपको सीधे लिए चलते सुनाते हैं। देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कमर कस रखी है और कांग्रेस के कार्यकर्ता की मेहनत के कारण से ही हम लोग 2 साल पहले सरकार में आए थे। कांग्रेस का कार्यकर्ता 2 साल में जो सरकार के कार्यकाल है उससे संतुष्ट है। निश्चित रूप से ये हमारे सबके लिए दुखद घटनाएं हुई कि 4-4 हमारे विधायक साथी चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हों हमारे बीच में नहीं रहे। कोई उम्र भी सबकी ज़्यादा नहीं थी लेकिन जो हुआ उसके आगे हमारा किसी का जोर नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ उपचुनाव होने हैं हमने वहाँ पर हमारे टीम को लगा दिया है, प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, जिले के प्रभारी मंत्री हैं वो अपनी मीटिंगें ले रहे हैं, पीसीसी के पदाधिकारी अपने मीटिंगें ले रहे हैं, 90 नगर निकायों में चुनाव हैं तो वहाँ पर भी चुनाव, जो उपचुनाव हैं वहाँ पर भी चुनाव हैं। जो कल रात तक रिपोर्टें आई उसमें बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस पार्टी का बहुमत सब तकरीबन जगह बनने जा रहा है तो इससे भी कार्यकर्ताओं में उत्साह आया है। और जो विकास के कार्य लोग चाहते हैं, जो हमदर्द बन के सरकार ने कोरोना काल में काम किया है सबके साथ में उससे सब लोग संतुष्ट हैं और कांग्रेस पार्टी को वोट दिए। जो जिस तरह की तस्वीरें आई किसानों के आंदोलन को पुलिस प्रशासन ने दबाने की कुचलने की कोशिश की, देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसान के साथ में खड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। राहुल गांधी जी ने एनडीए 1 में भी जब भूमि अधिग्रहण कानून को ये चेंज करना चाहते थे उद्योगपति मित्रों के लिए तब भी तकड़े तरीके से किसानों का साथ दिया था और कांग्रेस पार्टी के साथ के कारण से किसानों की बातों को मानी गई थी, मजबूर होकर के मोदी जी ने मानी थी। आज भी पहले दिन से जब से ये किसान ये कह रहे हैं कि हमने ये कानून मांगे नहीं, आप ज़बरदस्ती हमको क्यों पिला रहे हो, क्यों दे रहे हो ऐसे कानून जिससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, हमारी आमदनी दुगुनी नहीं होने वाली है, हमारे को हमारी लागत का 50% मुनाफा नहीं मिलने वाला है, तो आप ज़बरदस्ती ये क्यों कर रहे हो। पूरी व्यवस्था जो 70 साल से जमी हुई है, MSP मिल रहा है, जो AMFC की जो संस्थाएं हैं उनको आप ख़त्म करना चाहते हो, लेकिन मोदी जी इसलिए नहीं मान रहे हैं कि मोदी जी ने अपने मित्रों के साथ में MOU कर रखा है और वो MOU करके उन्होंने अपने मित्रों को, जो मुझे जानकारी मिली है 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा तो उन्होंने ये गोदाम वगैरह के लिए इनके लिए दे दिए और पता नहीं कितना इन्होंने एग्रीमेंट कर रखा होगा। तो ऐसी स्थिति में किसान के साथ में वो जुल्म कर रहे हैं और जिस प्रकार से जो खबरें आ रही हैं वो ये खबरें बताती हैं कि किसान शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, उनको जो परमिशन दी वो किसान जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो सही तरीके से चल रहे थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने जिससे केंद्र के सरकार की मिली भगत के लिए भी लोग बाग बातें बना रहे हैं, इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए जिस तरीके का माहौल बनाया गया वो बहुत गलत है। आज देखिए, आज जैसे अंग्रेज जुल्म करते थे वैसे बॉर्डर के ऊपर सेनाएं पड़ी हैं, पुलिस पड़ी है, किसानों को खदेड़ा जा रहा है, उनमें फूट डलवाई जा रही है, मतलब राज का इतना बड़ा दुरुपयोग मैं समझता हूँ 70 साल में कभी नहीं हुआ। और जो अंग्रेजों ने जिस प्रकार से जुल्म किए थे उस प्रकार से जुल्म आज मोदी सरकार करके किसानों को कुचलना चाहती, ऐसी क्या आफत आ गई कि इनको ये कानून पिला देने ही पड़ेंगे, इनको कानून को मानना ही पड़ेगा, ऐसा प्रजातंत्र में कभी नहीं होता। और ये कोई मनोनीत सरकार नहीं है, किसान के गरीब के वोट से बनी हुई सरकार है और जब वोट से बनी हुई सरकार है तो वोटर की, किसान की जो वोट देने वाला उसकी सुननी पड़ेगी और उसकी नहीं सुन करके केवल अपने उद्योगपति मित्रों की सुन करके ये फैसले कर रही है, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं जो पहले देश की आज़ादी के समय मुखबिरी करते थे और आज किसान को कुचलने का काम कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने का काम। एक बड़ा सवाल है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, स्वतंत्र पत्रकार, कई ऐसे लोग जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनके ऊपर कई बड़ी धाराएं लगाई गई हैं, अगर मोदी सरकार की तो स्थिति यह है कि अगर उनकी बात के ऊपर आप सहमति प्रकट नहीं करते हो तो आप देशद्रोही भी हो, आपके खिलाफ मुकदमे भी होंगे।
चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का विपक्ष का नेता हो, चाहे उनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे कोई पत्रकार हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई किसान संगठन हो, उनकी तो यही स्थिति है कि या तो हमारी मानो और नहीं आप देशद्रोही हो। आप बताओ किस प्रकार से टीके जी का जो कल जिस प्रकार से भावाविल हो रहे थे, आप देखिए उनकी आत्मा रो रही थी कि भाई तुम क्यों मारना चाहते हो, हमको क्यों हटाना चाहते हो, ऐसी क्या नौबत आ गई आपकी। आप अगर किसी असामाजिक तत्व ने कोई गलत काम किया है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करो, कोई कांग्रेस पार्टी या कोई भी विपक्षी दल उसमें आपको मनाही नहीं कर रहा है, लेकिन लाल किले की घटना को जोड़ करके किसानों को यहाँ आकर के उसमें घर में घुस करके और उसको मारना, उनको गिरफ्तार करना, ये कहाँ का प्रजातंत्र है। देखिए निश्चित रूप से कोरोना काल में लोगों को तकलीफें हुई, आमदनियां भी लोगों की घटी, कारोबार भी छीने, और जब देने की बारी आई तो केंद्र की सरकार ने अपना मुंह फेर लिया और ये कह दिया राजस्थान स्टेट हो चाहे दूसरे स्टेट हो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से करें। और आज मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ करके ये फैसला किया है तो सभी लोगों ने इसको सराहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे बोल नहीं सकते हों मोदी जी से डरते हुए, लेकिन उनको भी लगा हाँ राजस्थान की सरकार ने ये वेट कम किया तो मोदी जी क्यों नहीं कर रहे। आप बताइए जब 140 रुपये अमेरिकी डॉलर बैलर कच्चा तेल था और आप 50 रुपये हो गया, तब 55 रुपये था और आज 90 रुपये है। लेकिन अभी भी महंगा है सर, अन्य राज्यों की तुलना में। अभी भी अन्य राज्यों की तुलना में महंगा है, लेकिन ये सदैव से था। पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी का राज देख लो, उससे पहले देख लो। बात ये है कि जब कच्चा तेल हमको सस्ता मिल रहा है तो फिर तेल केंद्र की सरकार 38-38 रुपये टैक्स लगा रही है। आप देखिए ना डीजल और पेट्रोल पर 38-38 रुपये टैक्स केंद्र की सरकार लग रही है, और केंद्र के सरकार के पास में तो रुपए छापने की मशीन भी है, उनके पास रिजर्व बैंक भी है, स्टेट के से जो जीएसटी का पैसा जाता है वो भी उन्होंने दबा रखा है, आपातकाल के अंदर वो रिजर्व बैंक से पैसा ले सकते हैं। स्टेट्स के पास में क्या है आप बताइए, स्टेट्स कैसे चलेंगे, कैसे तनख्वाह चुकेगी। तो मैं समझता हूँ फिर भी मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ करके ये काम किया है तो ये बहुत ही अच्छा है और महंगाई को कम करने वाला है, वरना तो महंगाई तो आसमान छू रहे भाई मेरे, कोई केंद्र में बोलने वाला है क्या। सर आपसे केंद्र का बजट सत्र भी शुरू है, क्या उम्मीदें आपको लगता है कि मोदी सरकार के पिटारे से कुछ निकल सकता है, कुछ मिल सकता है बहुत बड़ा कट लगा था 25 सांसद। देखिए 25 में से 25 सांसद, मैं तो हर बार कहता हूँ 25 में से 25, और फिर भी केंद्रीय मंत्री भी 3-4 है, और जल संसाधन मंत्री जो सबसे बड़ी हमारी समस्या है राजस्थान की पीने के पानी की, उसके लिए एक दिल्ली कोड़ी का पैसा नहीं दिया। एमपी का जो बजट उन्होंने काट लिया और अब केंद्र जो 60% पैसा दे रहा है उसको हर योजना में ये सर्कुलर भेज रहे हैं कि अगर एमपी के शिलान्यास की फोटो नहीं आई तो हम स्टेट को पैसा नहीं देंगे। दुर्भाग्य है ये दुर्भाग्य है, ये संघीय ढांचा है, इसके ऊपर हमला है। स्टेट और सेंटर एक कड़ी के रूप में काम करेंगे तभी देश और प्रदेश का विकास होगा, और आज इस तरीके के तुगल की आदेश देना, इस तरीके से बजट को रोकना, आपने देखा पीएमजीएसवाई की सड़कें थी, जब तक एमपी उस सड़क के ऊपर साइन नहीं कर दे तब तक वो सड़क पास नहीं होगी। तो आप देखिए पीएमजीएसवाई एक एक्ट है और उसके मुताबिक जो उसमें गाइडलाइन है उसके मुताबिक करना है, चाहे भारत सरकार आज में आज मोदी जी की है, चाहे कल यूपीए की थी, चाहे आज और किसी की आ जाए, तो जो कानून है उसके मुताबिक काम करना है, उस कानून के मुताबिक नहीं करके और अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, अपनी दादागिरी कर रहे हैं, अपने तौर तरीकों से चला रहे हैं, सारी संस्थाओं को खत्म करने का काम कर रहे हैं, सारे नियम और कानून कायदे ताक पे रख के काम कर रहे हैं। 10% से 40% कर दिया, आप बताइए ये स्थितियां हैं। केंद्रीय बजट से उम्मीदें हैं सर आपको? भाई जो किसानों के साथ हुआ उससे तो हमें निराशा है कि इस प्रकार से जब वोट देने वाले की नहीं सुन रहे हैं तो ये तो ऐसा ही बजट लाएंगे जो अडानी और अंबानी और बड़े उद्योगपति मित्रों को फायदा देगा, आम गरीब को आम।
तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे। तमाम मसलों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। कृषि कानूनों को लेकर सरकार को घेरा, साथ ही बढ़ती महंगाई को लेकर भी, और बजट सत्र को लेकर भी उन्होंने कहा कि हालांकि खास उम्मीदें हैं नहीं, लेकिन देखिए होता क्या है। चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबर लगातार जारी है, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।